हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी के लिए चाहे तो आप बेडशीट बनाइए चाहे कंबल बनाइए, दोनों का काम करेगी। उसके लिए मैंने इसमें रोम में 40 फंदे डाले हैं, 20 जोड़। अब हम एक रोल की उल्टी निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको उसके बाद डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास 40 फंदे हैं एक रोम में डाले मैंने, सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। मैं आपके उल्टा बना के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक रो इस तरफ से उल्टी निकाल ली और उल्टी तरफ से भी एक रो उल्टी हो गई। अब एक रो हम और उल्टी निकाल लेंगे, पहला धागा हम उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। एक रो हम दूसरी उल्टी तरफ से भी डालेंगे, हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। इसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। मैं आपके 2 सिलाइयाँ और कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी 4 रो निकल गई हैं, 2 इस तरफ से और 2 उल्टी तरफ से। अब पहला फंदा हम उतारेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये हमारी साइड की किनारी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, धागा हम अपनी तरफ रख के 2 फंदों का एक बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धागा फिर अपनी तरफ लाएंगे, इन 2 फंदों का एक बना देंगे। हमारी ये जाली वाला डिज़ाइन बन जाएगा। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का एक बनाएंगे। धागा अपनी तरफ होगा, 2 फंदों का एक बनाएंगे। हम ये सभी फंदे ऐसे ही बना लेंगे दोस्तों, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का एक बना लेंगे। हमारा जो धागा कम होगा वो आगे हम धागा करते हैं तो जाली पड़ती है, वो साथ ही साथ में बनता जाता है। धागा आगे करके हम ऐसे ही अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हम फिर 2 फंदे उल्टे और एक लास्ट वाला फंदा उतार देंगे। मैं आपको इतना करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास लास्ट में 4 फंदे रह गए। अब हम एक फंदा ऐसे ही बना लेंगे जाली डाल के, बाकी 2 को उल्टा कर देंगे, उल्टा बना लेंगे और लास्ट वाले को पीछे धागा करके इस तरफ से सीधा बनाएंगे। और जब हम उल्टी तरफ आएंगे उस तरफ से हम इसको उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी हम पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। मैं आपके बना के दिखा, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी उल्टी और लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट वाला जो फंदा है हम पीछे धागा करके इसको ऐसे सीधा बनाएंगे और इस तरफ से हम इसको उतार लेंगे। हम हर बार ऐसे ही करेंगे। अब अगले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो जाली वाला फंदा है, एक बार इसको तो हम ऐसे ही बना लेंगे पीछे धागा करके। ये हमारा एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। अब धागा आगे करके हम फिर उसी तरह इस फंदे को ऐसे कम करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फंदा कम करते जाएंगे। ये जाली वाला फंदा हम इसके साथ इस तरफ से कम करेंगे। इसी तरह हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। जाली वाला ये फंदा हम इस तरफ से कम करेंगे। मैं पूरी रो आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ लास्ट में। देखिए, ऐसे ही बनाते जाएंगे सभी फंदों को। ये देखिए दोस्तों, लास्ट में हमने एक फंदा ऐसे ही सीधा रखा था, अब उसको हम आगे धागा करके एक कम कर देंगे। ये 2 उल्टे हो जाएंगे हमारे दोनों तरफ, ये पीछे के धागा के ऐसे बना लेंगे। और जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे। पिछली सिलाई में हमारा एक फंदा बढ़ गया था, हमने जाली डाल के ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हमने इसको कम कर लिया है, बाकी रो हमारी उल्टी ही चलेगी। सीधी रो पे आके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, हम सीधी तरफ हैं, पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब हमारा इस तरफ भी एक फंदा पहले बढ़ा था, हम अब कोई जाली नहीं डालेंगे, पीछे धागा करके हम इसको एक कम कर देंगे। हमने उस तरफ से भी कम कर दिया था। ये देखिए, अब हम आगे धागा डाल के इस तरफ इसको ऐसे कम कर देंगे, फिर उसी तरह हम अपने काम को ऐसे चलाएंगे। इस तरफ धागा डालते हम इसको ऐसे करते जाएंगे, आगे धागा रख के। ये जाली वाला हमारा इस तरफ है, ऐसे बनाएंगे इस तरफ से ऐसे लेके।
ठीक है दोस्तों, ये पूरी रो में आपको ऐसी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा कुछ डिज़ाइन ऐसे बन गया। ये देखिए दोस्तों, लास्ट में हमारे पास फिर एक फंदा सीधा है। हम अब इसको ऐसे ही बना लेंगे और बाकी को हम उल्टा ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी साइड पे किनारी से बनती जा रही है, बीच में डिज़ाइन दोनों साइड ऐसे बन रहा है। मैं आपको ये थोड़ा सा और बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने चार जालियाँ डाल ली हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, हमारा कुछ वर्क ऐसे आया है। हमने 20 फंदे डाले थे, 40 फंदे डाले थे हमने, 40 के 40 हमारे पास वापस हैं। हमारा एक फंदा बढ़ता है और एक बार में हम वहीं पे कम कर देते हैं। इसी तरह हमारा ऐसे इधर होता है, एक बार हमको सीधा बना लेते हैं और दूसरी बार हमको उसको उल्टा बना देते हैं। हमारे ये जितने फंदे हैं वापस उतने ही रह जाते हैं। अब हम अपने डिज़ाइन को इस तरफ मोड़ेंगे, थोड़ा सा नई लुक देंगे डिज़ाइन को। पहला फंदा उतार के दो उल्टे बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले हम ये वाला फंदा बनाते थे इस फंदे के साथ, इस तरफ की जाली वाला। अब हम इस तरफ की जाली वाला इसके साथ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना धागा हम पहले पीछे कर लेते हैं। ये एक फंदा हमारे यहाँ पे कम हो गया। अब आगे जाली डाल करेंगे अपने धागे को। पहले हम इस तरफ से कम करते थे, अब इस तरफ से कम करेंगे अपने फंदे को। हम अपने फंदे को ऐसे कम करेंगे। ये देखिए, धागे आगे करेंगे धागा। अब हम पहले जाली वाला कम करेंगे। पहले हम बाद में जाली वाला कम करते थे, अब पहले करेंगे। हमारी रो का मुँह इस तरफ मुड़ जाएगा डिज़ाइन का। वैसे ही हम सारे फंदों को ऐसे करेंगे, धागा आगे करते जाएंगे, फंदों को ऐसे ही बनाते जाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो का एक बनाएंगे। बस याद रखना है आपको, पहले हमने ये इस तरफ करते थे, हम चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये वाला इसके साथ कम करेंगे। अब पहले हम धागा आगे करके ये वाला इसके साथ कम करते थे, अब ये इसको इसके साथ कम करेंगे। पूरी रो हम ऐसे ही निकालेंगे। ये जाली के साथ बनता है थोड़ा। मैं आपको ये पूरी रो निकाल के दिखा देती हूँ। अब हम सामने से जाली वाला कम कर रहे हैं, ये वाला नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास लास्ट में वही दो फंदे आ गए उल्टे और एक सीधा। उल्टी रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हम फिर से सामने की सिलाई पे हैं। पहले धागा उतार लेते हैं। अब हम इन दो को कम कर देंगे। अब हमारा इस पिछली बार बड़ा था, अब ये कम हो जाएगा। ये देखिए, हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया। अब हम इसको ऐसे ही धागा आगे रख के ऐसे बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब हम पहले जाली वाला ऐसे बनाते हैं। हमारी ये जितने भी ये डिज़ाइन इस तरफ है, अब इस तरफ मुड़ेंगे। लहरिया हमारा दूसरी तरफ मुड़ गया। अब हम पहले जाली वाला बनाते हैं, पहले हम बाद में बनाते थे। इसी तरह हमें ये भी चार जालियाँ आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमें चार जालियाँ, ये रो इस, अब देखिए हमारा ये इस तरफ मुड़ने लगा है डिज़ाइन। ये देखिए, यहाँ से इस तरफ मुड़ गया। पहले इस तरफ जा रहा था, अब इस तरफ जाएगा। देखिए दोस्तों, हम दोबारा सीधी रो पे आ गए उल्टी निकाल के। दो फंदे उल्टे निकालेंगे। ये जो हमने पहले जाली डाली थी, ये अब कम हो जाएगी। अब यहाँ हम कोई जाली नहीं डालेंगे, ये फंदा हमारा इस तरफ आ जाएगा। ये देखिए, हमारी दो रो ख़त्म हो गई यहाँ पे। और फिर हम उसी तरह बना लेंगे अपने वर्क को। पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में आके। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम एक फंदा तो उतार लेंगे, दो उल्टे बना लेंगे। अब हमारा ये एक सीधी है, रो जा रही है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। पीछे धागा करके इसको ऐसे ही बना लेंगे और फिर आगे धागा करेंगे और फिर इसको इस तरह से ऐसे कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये फंदा ख़त्म होता है, हम उसको ख़त्म करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, हमारी ऐसे डिज़ाइन बनता जाएगा साइड में भी। ये हमारी चार रो हुई थी, एक दो तीन
एक दो तीन चार, अभी एक दो तीन चार ये हो गई। फिर मैं आपको इस तरफ मोड़ के दिखाती हूँ दोबारा, ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी एक लहरिया चार इस तरफ आए हैं और फिर हमने अपनी रो को इस तरफ मोड़ लिया है। ये हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे बन गया, देखिए। अब हम फिर अपने लहरियों को इस तरफ मोड़ेंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। एक धागा उतारेंगे, दो बनाएंगे। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। पहले हम इस फंदे के साथ ये कम करते थे, अब इसके साथ ये कम करेंगे, इसके साथ ये, ठीक है। पहले हम आगे वाला कम करते थे जाली वाला, पिछले वाला कम करेंगे। आगे धागा रख के अब हम इस तरफ से बना लेंगे। आगे धागा रख के हम अपनी लहर को फिर दूसरी तरफ मोड़ देंगे लहरिए को। अब ये फिर हमारी रो इस तरफ मुड़ गई है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम चार जालियाँ इस तरफ मोड़ के बनाएंगे और चार जालियाँ दूसरी तरफ, तो हमारी ये कंप्लीट होता जाएगा। ये देखिए हमारा फिर इस तरफ मुड़ने लगा है। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम सीधी तरफ आ गए हैं। एक फंदा उतार लिया, दो बना लिए। अभी जो एक जाली है, अब इसको हम ऐसे ही बना देंगे सीधी करके और अगली को फिर उसी तरह करेंगे। अब इस तरफ इस फंदे के साथ हमने ये वाली जाली कम करनी है। हमारी डिज़ाइन का मुंह दूसरी तरफ मुड़ा है, जैसे हमने शुरू में किया था वैसे ही करेंगे। अब ये देखिए हमारा डिज़ाइन फिर इस तरफ मुड़ गया। पहले इस तरफ मुड़ा था, फिर इस तरफ, और फिर उसी तरह मुड़ गया है। मैं आपको ये चार जालियाँ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, चार सिलाइयाँ हमारी इस तरफ मुँह है, चार इस तरफ, फिर हमें उस तरफ मोड़ दिया, फिर इस तरफ मोड़ेंगे। जितना आप चाहे उतना इसको लंबा कर सकते हैं, चौड़ाई और बढ़ा सकते हैं। मैंने 40 फंदों में आपको बताया, और फंदे ले सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने और बना लिया, कुछ ऐसा आया है। पहले इस तरफ जा रहे थे हमारे डिज़ाइन, फिर इस तरफ, फिर ऐसे ऐसे हमने ऐसे बनाया है। अगर आप चाहें तो और बड़ा करना चाहते हैं और भी बड़ा कीजिए। अब मैं दो उल्टी उल्टी निकाल के इसको बंद कर दूँगी। चाहे आप इसे कंबल बनाइए, चाहे चादर बनाइए कान्हा जी की। देखिए दोस्तों, हमारा कुछ ऐसा बना है कंबल। बताइएगा जरूर कैसे लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।